अरे वर्मा जी, कैसे हो भाई? बस सब ठीक। आपने तो घर को बहुत अच्छे से रेनोवेट करवाया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अजी सालों में एक बार करते हैं, तो सोचा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाहर गर्मी से आए हो, पानी लो और मैं फैन तेज करता हूँ। नहीं रहने दीजिए फैन, कहाँ उठ के जाएंगे, अब तकलीफ मत लीजिए। इसमें तकलीफ किस बात की? क्या आपने इस फैन को अपने फोन से कंट्रोल किया? हाँ, ये ऑटोमेट के पंखे हैं। ये मैंने पहली बार देखा। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। इसके फायदे इतने थे कि मैंने खरीद लिया। और क्या फायदे हैं इसके? जैसे मैंने अभी इसकी स्पीड 3.5 पे रखी है। अपने पुराने पंखे तो बस 1 से 5 की स्पीड देते हैं, पर इसमें 100 स्पीड ऑप्शन है। सच में? हाँ, यही नहीं, इन्होंने बड़े सोच और समझ के ये पंखे बनाए हैं। अब फर्ज करो कि तुम रात को सो रहे हो, एसी और पंखा दोनों ही तेज है, बीच रात में रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंड लगती है। अब या तो उठकर फैन स्लो करो या ठंड में ठिठुरते रहो। इस फैन में ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल होती है। जैसे रूम का टेम्परेचर कम हुआ वैसे ही फैन की स्पीड कम हुई, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वैसे ही स्पीड बढ़ गई, वो भी अपने आप। इसीलिए तो इन्हें स्मार्ट फैन कहते हैं। पर ये एफएफ का चक्कर समझ नहीं आता मुझे। अरे वर्मा जी, बहुत आसान है। जैसे व्हाट्सएप, और तो और कंपनी वाले खुद आकर ये इंस्टॉल करके जाते हैं और इत्मीनान से आपको इस ऐप और फैन का डेमो भी देते हैं। अब तो अम्मा भी सीख गई हैं इसे चलाना। टेक्नोलॉजी का बहुत सही इस्तेमाल किया है। क्या नाम क्या बताया आपने इसका, और कहां से लाए? ऑटोमेट स्मार्ट फैंस। सोच रहा हूँ थोड़ी कॉमन सेंस लगाऊं और ऑटोमेट ले आऊं।